दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं इतने वीडियो में है वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि 2021 में एएमयू 11 एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं साइंस और कॉमर्स का। आर्ट्स तो उसी में होता है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग उसी में होता है, तो इनमें से किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं और एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर बैच स्ट्रेंथ भी कम हो, बैच साइज भी कम हो, फीस भी जो है वो रीजनेबल हो बैच साइज देखते हुए, और उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, उनके जो वैलिड सवाल हैं टू द टॉपिक उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए और उन पर कोई अगर सवाल पूछें, इवन आसान सा भी सवाल है तो उन पर बिना बात के कोई कमेंट्री भी ना की जाए, उनको शर्मिंदा ना किया जाए। हाँ, सवाल बेकार का है, बिल्कुल फालतू उल्टा सीधा है वो एक अलग बात है, उस पर फिर आपको करने के लिए किया जाएगा, सिर्फ दोबारा आप सवाल ना करो। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो ऐसी कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा अपनी कोचिंग के बारे में, क्योंकि मेरी कोचिंग दोस्तों जहाँ से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पढ़ाता हूँ 11 साइंस और कॉमर्स, मेरी कोचिंग में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज होंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। पहली बात तो ये बैच साइज जो है 25 स्टूडेंट का होगा, इससे ज़्यादा हम बैच अपने अपने नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है फीस, बैच साइज के हिसाब से मेरे यहाँ फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैच साइज को देखते हुए वो अच्छी खासी जो है कम होती है, क्योंकि बैच साइज जब छोटा होता है तो फीस ज़्यादा होती है, लेकिन मैं जो है उल्टा करता हूँ कि बैच साइज भी जो है कम रखता हूँ और फीस भी उसके हिसाब से जो है वो कम ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ। यहाँ पर मेरे यहाँ अगर आप सवाल पूछते हैं, कोई वैलिड सवाल होगा तो आपको जवाब दिया जाएगा प्रॉपर, आपसे कोई कमेंट्री आप पे बिना बात की नहीं की जाएगी, क्योंकि जब आपको नहीं आ रहा होगा, जब भी आप सवाल पूछेंगे ना तो आपको नहीं आ रहा है, आपने सवाल पूछा, हमने आप पे कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, दोबारा आप सवाल नहीं पूछोगे तो उसमें आपका लॉस होगा और हमारा भी लॉस होगा, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपसे फीस ली है, तो हमारा काम है आपको पढ़ाने का, प्रॉपरली आपको पढ़ाने का। लेकिन अगेन मैं अपनी बात दोबारा मैं कहूँगा कि सवाल आपका पूरा टॉपिक होना चाहिए, बेहूदा सवाल आप करेंगे उसके जवाब हम आपको नहीं हम देंगे। दोस्तों ये हुआ कुछ एडवांटेज, लगातार टेस्ट होंगे, नोट्स आपको प्रॉपर मैं आपको दूंगा, लगातार आपको आपसे मेरा इंटरेक्शन रहेगा। एक बार दोस्तों और कई बच्चे पूछते हैं गारंटी है या नहीं है। दोस्तों गारंटी की बात ऐसी है कि मैं आपसे जब आप ज्वाइन करने से पहले मैं आपको गारंटी कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको कितना अच्छे से पढ़ा लूंगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं प्रॉपर मेहनत नहीं अगर आप करते हैं तो आपका होने का कोई सवाल ही नहीं है। कई बार और टीचर जाएगा कहेगा हो जाएगा, कहेंगे हाँ हाँ हो जाएगा, भाई कैसे कह सकते हैं यार आप। प्रॉपर बात तो ये है कि जब आप पढ़ाएं, बच्चा पढ़ के आए, टेस्ट लें, उसके बेस पे आप कहें तो वो आपकी बात ऑथेंटिक होगी, लेकिन उसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने पहले कह दिया हो जाएगा और हम नहीं करा देंगे, हमको करा देंगे, तो मैं ऐसा अपनी कोचिंग में नहीं कहता हूँ, जो बात है वो क्लियर कहता हूँ, चाहे आपको ज्वाइन करना हो चाहे आपको ज्वाइन ना करना हो, मैं आपको बिना बात के खुश, बिना किसी रीजन के खुश आपको नहीं कर सकता। हाँ, टेस्ट के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों ये तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जरूर ज्वाइन आप यहाँ करेंगे, आप चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, चाहे तो आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन आप कर सकते हैं, मेरी कोचिंग अलीगढ़ के अंदर है, नंबर आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बैच आप ज्वाइन बैच शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट जो है इस बार मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, तो जून में भी अगर होगा क्योंकि बीच में लगभग आपका एक महीने का रमजान भी आएगा, तो आपके पास अभी लगभग 4 महीने हैं और 4 महीने में आपके पास बहुत अच्छे से आप तैयारी आप कर सकते हैं 4 महीनों के अंदर, और आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप जो बच्चे एक्सटर्नल होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होते हैं क्वालिफाई टेस्ट में, मतलब क्वालिफाई से कि वो आराम से कर जाएं। इंटरनल बच्चों को थोड़ा कम रहता है, लेकिन उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मेहनत सब ऊपर जा रही हैं। दोस्तों कोचिंग मैं के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी कोचिंग में जो मैंने आपको बताया, अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो मुझे आप जरूर यहाँ पर ज्वाइन आप कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, फीस भी मैं आपसे जो है कम लूंगा, ज़्यादा फीस मैं नहीं लेता हूँ, और आपके सारे डाउट जो है इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश आपको करूँगा, लेकिन वो होना चाहिए वैलिड टू द टॉपिक। दोस्तों उम्मीद कर लूँगा मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अगर आपको आई है तो प्लीज़ मैं ज्वाइन करें, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में ज़रूर आप बता दीजिए, जिससे कि वो भी उनको फ़ायदा हो जाए और भी एक अच्छी कोचिंग में पहुँच जाए जहाँ पर बैच स्ट्रेंथ जो है वो कम हो। तो ये मेरी साइड से आपके लिए एक मैसेज था, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।